आज की प्रोग्राम की बड़ी सुंदर शोभा है जो महापुरुषों के दर्शन मेला का समय मिला। यहाँ विद्वान गण बैठे हैं, वह मुंडे में तो खुद ही कम बोल बोतावा जा, फिर भी बेर नहीं तो मन कहीं गए लो बोलो मन बोल रहे तो बात की बात है और देखे रिजाई श्री बाल मुकुंद जी ने बड़े अपनी योग्यता के आधार से इशारा भी दिया है इन्होंने, और भाई मैं सांग भी करता हूँ इसलिए कभी लोग ये नहीं समझें कि महाभारत में ऐसा लिखा हुआ नहीं है। इन्होंने पहले इशारा दे दिया था कि इस बात से अलग हो जाओ, महाभारत में नहीं है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो समय चाहता है, कह रहा हूँ वो समय चाहता है, लेकिन वो समय कब चाहे तब तो तक पर वह जगह। अरे देखिए विद्वान लोगों हम देख धन को रिको यार, मन को रिको करना दान छुटा हो यार क्या मैं चाहिए जब आप पतली जीक मोटी जीक लटकती दाली कथा क्या करती है, और कभी के खेंगे और हरी सिंह जी मगन हो जाते नंद जी बैठा था, नंद जी बैठा था नंद के सो जे हो थारा तो बंद नहीं करूं मैं समझ वो ये बोल रहा था नंद किशोर जी मगन हो रहा था हाँ को था ही कम लाग रहे हो अरे ये कविया का नहीं सुन भो के चाह रहा था जो भी खड़ो हो जो भी यही है कहती जब भी लवाई नहीं लग रही है अभी बात सले नहीं गाया सरकार नहीं गाया बोल नहीं गाया देखिए मैं तो बहुत छोटा सा जीव हूँ छोटी सी बुद्धि है की बड़क तो मैं क्या काटू तो सिर सुनना चाहते कौन मार को ये कल भी बन करी बड़क देखो खेत की शोभा कौन बने सारा का फिक्र ना बने ना मुख भाई एक विद्यालय कमाए ने 20-30 बाल के पढ़ता तुम्हें एक बालक तो वो बहुत कमजोर थो पढ़वा कमाए ठस तो एकदम ही ठस पर भगवान की मर्जी घर खाऊ को नाम धरिया को समझदार मार्च जी नाम बताऊ जो ही लिखे जी समझदार ही लिखे हो पढ़वा बिल्कुल ठस। अरे एक लड़का को नाम गोपाल वो भी कमजोरी पढ़वा जनाब विद्यालय में पहला इंस्पेक्टर आप भी आऊँ जो पहला भी आता था आज कर बात है विद्यालय की बालकान पढ़ाऊ थे कौन पढ़ाऊ मार्च तो मास्टर जी के काम करे हुए जाने बोल नहीं निकल जाए स्कूल जो भोपाल छोड़ो जना वो कमजोर थे तो इंस्पेक्टर जी ने तो पलाड़ी ली इनका नाश्ता थे और वो भोपाल ने मुड्डा का नीचे दी जो था भोपाल और समझदार छोड़ा उन सबसे गैर ने लगा दियो लाइन में आप सबसे गैर में बढ़िया बढ़िया वाला छोरा आके कर दिया सारा उन तो सबसे गैर कर दिया जी अकेले इंस्पेक्टर बोलते हैं कदा अगला नहीं एक न बोलते हैं दो न बोलते हैं तीन न बोलते हैं आज गैर छोड़ जाए तो साहब इंस्पेक्टर जी आया और उन मुद्दा मालक बैठी का जय मालक वो फाल दी जाता वो भी मुद्दा पर बैठ करी और कोई बोल रहा था इंस्पेक्टर जी खड़ा लाइन में बालक बोले भाई मास्टर जी ठीक पढ़ाते हैं अगला थोड़ा धन भे बोला बहुत बढ़िया पढ़ाऊ थी अच्छा तो बोलो ये बताओ तुम्हारे अंदर समझदार कौन है गैर कोई और को जो हाथ था मार्च जी को दी निकल गया मर गया
میں روئے بھی پھوٹیو اور پھر بھی میرے سری پول یا تو نکل آئی نند کشور جی وہ ماں تجھے گھبرا گو اور انسپیکٹر بولو با بیٹے آگے آ جاؤ آگے کرنے بلا لیو نقشو تو بھارت کو چتر پر ذرا بولو یہ بتا بیٹے سمجھدار भोपाल कहा है चित्र में बोलो जी थारा मुंडा के चले थे भोपाल तो वही बाल मुकंद और परमानंद जी थे वही विद्यार्थी थे मुंडा के चले समझदार थे थारी बधाई कहना था गाँव में चलो कथा के चैप्टर पर आते हैं क्षमा करेंगे दिल में जाल तो बहुत ज्यादा है लेकिन रोकड़ी पड़ रही है भाई मार दू भाई के ऊपर मानन जी बड़ा भाई बोलिए शंकर भगवान की जय ओ श्री परमानंद जी थारा ओ था पूछे ساری دنیا
وطاشه
ओ सुमरी थारदा दमयंती मैं सुमरी दुर्गा पाई थी पिता अपने की आज्ञा पर कह कर मैं फुरमाल और पिता अपने की आज्ञा पर कह कर मैं फुरमाल उठाई थी और दा बैठी राधा की सभा वो दमयंती वहां आई थी और दो नल देखा महल बीत में अपनी दृष्टि लखाई थी उस नल से तो बैठे पांच तब दमयंती घबराई थी कह नल कह तो कह वो रे किसी ने माला सा पहनाई थी तो धर्म भ्रष्ट हो जाता प्रभु कवि मोहन सिंह ने गाई के पास
أبنا من سمجھائی تھی سوریہ دیو سپتی بھرت درم کا پتن نبھائی تھی ستی نام میں پتی کی بھرتی من میں آپ سمائی تھی جب دیووں نے جان دیا وہ کیسے نظر لکھائی يا نوكا